नीमच नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा अपने विकास कार्यों में जुट गई हैं और इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत कर दी है। नीमच के बस स्टैंड पर वे पहुंची और साफ सफाई अभियान में जुट गई। उनको देखते ही नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी और साथ ही पार्षदगण भी सफाई अभियान में लग गए। शहर के बस स्टैंड पर स्वच्छता अभियान का नजारा देखने को मिला है। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा नगर पालिका के लाओ लश्कर के साथ बस स्टैंड पर पहुंची और दौरा किया। आसपास के दुकानदार और रहवासियों से बस स्टैंड पर होने वाली असुविधाओं को लेकर बातचीत की गई और जलभराव वाली स्थिति को लेकर इंजीनियर को निर्देश दिए गए कि व्यवस्था तुरंत सुधारी जानी चाहिए। इसके साथ ही वहां के स्थानीय लोगों ने बिना परमिट खड़ी बसों को हटाने की बात कही तो वहीं गंदगी की शिकायतें भी नगर पालिका अध्यक्ष और उनकी टीम को की गई, जिस पर स्वाति चोपड़ा ने सभी को विश्वास दिलाया कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और शहर में स्वच्छता का वातावरण होगा। जी, आज सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य से हमने ये शुरू किया है। बस स्टैंड पे मैं पहले भी आई थी, मैंने कुछ प्रॉब्लम देखी यहाँ पर कि यहाँ पानी भरा हुआ है। उसके लिए ही आज मैं अपने इंजीनियर के साथ आई हूँ। इंजीनियर साहब से भी हमने बताया कि ऐसी ये समस्या है और जो भी इसका सलूशन है उसमें डिस्कशन हुआ है और हम चाह रहे थे कि इसको जल्दी जल्द हम इसका कोई उपाय करें। धन्यवाद। पहले भी जी देखिए, जब कोई कार्य होता है उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं और ये हमें समझना पड़ेगा कि हमको सलूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना है हमें। प्रॉब्लम आई है तो हम सलूशन ढूंढ के उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर देंगे।